गुड इवनिंग हिमाचल। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा शनिवार को फार्मासिस्ट एलोपैथी की लिखित परीक्षा हमीरपुर जिला में सुबह के सत्र में आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के लिए 241 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई, जबकि शाम को जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 773 की लिखित परीक्षा हमीरपुर शिमला मंडी और धर्मशाला जोन में आयोजित की गई। इसके लिए 2288 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। लिखित परीक्षा के लिए 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अगर हमीरपुर जिला में सुपर मैग्रेट पब्लिक स्कूल हमीरपुर की बात की जाए तो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की लिखित परीक्षा के लिए 120 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 30 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे तथा 90 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ट्रिपल एससी जो है वो हमारे स्कूल में उनका सेंटर है। आज जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का जो था वो टेस्ट था, अभी इवनिंग सेशन में, सैटरडे है आज। और इसमें हमें जो स्टूडेंट अलॉटेड हैं वो 120 हैं, जिसमें से 30 प्रेजेंट हैं और 90 स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। तो इसमें देखिए, हमें जो है वो सर्विस कमीशन से ही प्रॉपर गाइडलाइंस आई हैं। इसके रिगार्डिंग कल हमारी एसडीएम सर के ऑफिस में मीटिंग भी हुई है शाम के टाइम पे, तो उन्होंने भी हमें थॉरली गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी की पूरी गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो करें। फर्स्टली, जैसे ही बच्चे पहुँचते हैं तो गेट पर ही उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है और साथ में जो है उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हम, और उनको जो है सैनिटाइजेशन के बाद ही हम एंट्री दे रहे हैं अपने प्रेमिसेस में। और जो एंट्री है वो भी हमने दो रास्ते जो है वो एंट्री के लिए बनाए हैं, ताकि बच्चा जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करता हुआ अपने रूम्स तक जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। और आफ्टर एंड बिफोर टेस्ट जो है, जैसे टेस्ट से पहले भी बाद में भी, हम जो है हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का रेगुलर यूज़ करके सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी की स्मृति में उनके गृह नगर संगड़ा में पार्क का काम रविवार से शुरू हो जाएगा। इसके लिए एसडीएम ने प्रशासन को आदेश जारी कर दिए हैं। गत 3 माह से उक्त काम बंद होने पर उपायुक्त सिरमौर ने स्थानीय अधिकारियों से जवाब मांगा था। बता दें कि जिलाधीश ने हाल ही में उक्त पार्क का ऑडिट किया था और उस दौरान यहाँ पर पार्क का काम बंद पड़ा था। इसके बाद किंकरी देवी पार्क समिति के अध्यक्ष विजय आजाद व अन्य पदाधिकारियों ने पार्क का काम जल्द करवाने की जिलाधीश से मांग उठाई गई थी। यहाँ दीगर रहेगा कि पार्क की दीवारों का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब इसकी फेंसिंग, गेट व ब्यूटिफिकेशन ही बची है। हिम सुरक्षा अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा खंड चिकित्सा अधिकारी पच्छाद डॉक्टर संदीप शर्मा की अध्यक्षता में सिविल अस्पताल राजगढ़ में आयोजित बैठक में की गई। डॉक्टर संदीप ने बताया कि 25 नवंबर से चल रहे इस अभियान में पच्छाद खंड में 120 टीमें घर घर जाकर कोविड, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप के मरीजों की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक पूरे खंड में 37,078 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रविदत्त भारद्वाज ने बताया कि अभी तक पूरे खंड पच्छाद में 130 बलगम के नमूने जांच के लिए भेजे जा चुके हैं और 6 लोगों की कुष्ठ रोग की जांच की जानी है। साथ ही कोविड के लगभग 650 लोगों की भी जांच की जाएगी। पच्छाद ब्लॉक के अंतर्गत, हेल्थ ब्लॉक पच्छाद के अंतर्गत राजगढ़ में जो हमारा हिम सुरक्षा अभियान चला हुआ है, उसकी हमने एक रिव्यू मीटिंग की और पाया कि यहाँ पर हमारी जो टीम्स बनी हुई है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर शर्मा, सब रीजनल आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, इन्होंने भी मीटिंग में पूरा भाग लिया और इनका विभाग भी पूरा सहयोग दे रहा है हमारी टीम्स को। साथ NTEP जो ट्यूबरकुलोसिस का प्रोग्राम है, उसके लिए जो ACF हो रहा है, उसके साथ साथ हम ACF एक तरह का हमारा COVID-19 का भी हो रहा है। मकसद इसमें हमारा 5 बीमारियों को देखने का था, ट्यूबरकुलोसिस, COVID-19, लेप्रोसी, NCD जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, और एल्डरली पॉपुलेशन को कवर करने का था। राजधानी शिमला में कोरोना का डर लोगों को अब बाहर नहीं निकलने दे रहा है। शनिवार को छुट्टी होने पर भी कम ही लोग मॉल रोड और रिच पर चहलकदमी करते हुए नजर आए। बाहर से यहां पहुंचे सैलानी ही घूमते नजर आए। हालांकि आम दिनों में स्थानीय लोग दोपहर के समय धूप सेकने के लिए रिच की ओर आ जाते हैं, लेकिन इस बार लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शिमला के लोग कोविड को लेकर जागरूक हो गए हैं।
शिमला में रोजाना कोविड के 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं और संक्रमण के कारण मौतें भी हो रही है। शुक्रवार को भी IGMC में कोविड से 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की ओर से शिमला में लोगों को जागरूक करने के लिए जवान फील्ड में उतरे हैं। इसके अलावा जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। शिमला में जो रौनक पहले दिखती थी अब वह नहीं दिख रही है। कोरोना के मुश्किल वक्त में मनरेगा लोगों के जीने का बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि जिला सोलन औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ ऑफ सीजनल वेजिटेबल और फूलों की खेती के लिए भी जाना जाता है। प्रदेश में इकोनॉमी के नजरिए भी जिला नंबर वन है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों ने अपने घरों का रुख किया तो ऐसे में रोजगार गंवा चुके लोगों के लिए जिला सोलन में मनरेगा संजीवनी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में ही जिला सोलन में 2108 मस्टर रोल जारी किए गए हैं जिसमें से करीब 21 से 22 हजार लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ इतने मस्टर रोल जारी किए गए हों। उपायुक्त ने बताया कि अब तक जिला में करीब 55% लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल चुका है। कोरोना संकट से निपटने के लिए आधुनिक मोटर बाइक एम्बुलेंस जल्द ही बिलासपुर की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। बिलासपुर में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के अलावा कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता अभियान के लिए इस्तेमाल होने वाली यह मॉडर्न बाइक यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल बिलासपुर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग इस बाइक के दस्तावेज उपलब्ध होते ही विधिवत शुभारंभ करवाने की तैयारी में है। खास बात यह है कि अस्पताल के इमरजेंसी में मरीजों को शिफ्ट करने, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और ऑक्सीजन लगाकर मरीजों को पहुंचाने इत्यादि के अलावा कोरोना की स्थिति से निपटने को लेकर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के लिए यह बाइक एम्बुलेंस बहुत काम आएगी। CMO डॉक्टर प्रकाश दरोच ने बताया कि सरकार की ओर से जिला बिलासपुर को फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल उपलब्ध करवाया गया है। हमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बाइक है जो कि एक किस्म का मोटर बाइक एम्बुलेंस की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा हमारे जिला को प्राप्त हुआ और इस जो मोटर बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी के दौरान अगर किसी को जरूरत पड़ती है दवाइयों के लिए वो वहाँ तक पहुँचाई जाए, अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उसको ऑक्सीजन इसके माध्यम से पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसमें स्पीकर और दूसरा वो सब कुछ मौजूद है तो उसके माध्यम से हम COVID-19 के बारे में वो चाहे होम आइसोलेशन में हो चाहे वो आपका कोविड केयर सेंटर में हो तो इसके बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसको संचालन करने के लिए अभी स्टेट से हमें जो RC+ जो अन्य जो डॉक्यूमेंट्स इसके आने वो अभी तक अपेक्षित है, जैसे आ जाएंगे तुरंत हम इसको लोगों की सेवा के लिए समर्पित।